नागपुर मार्केट, ये नाडको शॉपिंग सेंटर। क्या नाडको? मुंबई में इतनी गर्मी पड़ रही है कि अगर आप दोपहर में बाहर निकल गए तो उबल के आलू नहीं हो जाए तो फिर मुझे बोलिएगा। फिर भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं है मेरे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ वो मैं बता देती हूँ। मैं आज आपको लेके चल रही हूँ अंधेरी। यहाँ पर बहुत ही फेमस शॉपिंग सेंटर है नागपुर करके, हम वहाँ पर जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हम एंटर हो चुके हैं। ये अंधेरी वेस्ट में स्टेशन से जब आप बाहर निकलेंगे तो स्टेशन के दोनों साइड मैकडोनल्ड है। तो जब स्टेशन से आप बाहर निकलते हैं, लेफ्ट साइड वाला जो मार्केट है वो एकदम नया है और वो बहुत बड़ा है। आपको जो चाहिए पहनने के लिए, ज्वेलरी, कपड़े, ड्रेसेस, वो सब मिलेगा। एंड जो राइट साइड वाला है वो दुकान थोड़ा छोटा है, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें नहीं है वहाँ पर, फिर भी अच्छी खासी दुकान है। तो मैं आज आपको लेके चल रही हूँ लेफ्ट साइड वाले पे नागकोड में। मैंने इस मार्केट के बारे में बहुत सुना था, मेरे जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे फ्रेंड्स यहाँ से शॉपिंग करती थी। मैंने कभी यहाँ पे पर्सनली आके एक्सप्लोर नहीं किया था। जब मैं इस मार्केट में एंटर हुई तो ये मार्केट इतना ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर जो ड्रेस मटेरियल्स थे उनकी क्वालिटी, उनका जो फैब्रिक था, जो वेरिएशन थे, जो रेंजेस थे वो बहुत ही अच्छे थे और हर रेंज के थे। मोस्ट ऑफ अगर आप शॉपिंग स्टैंडर्ड थोड़ा लेंगे तो वो चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी मिल रही थी। नागपुर मार्केट में आपको ड्रेस मटेरियल, साड़ी, गाउन, बैग्स, कॉस्मेटिक, नेल पेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं बैग्स, ये सारी चीज़ें मिलेंगी और बहुत ही अच्छे रेंज में मिलेंगी। सब अलग अलग है, ये सब 30 है, वो 250 है। ये 50 है? अच्छा। यहाँ पर आपको सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं, उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती है, स्पंज, फेशियल की क्रीम, वो सब यहाँ पर मिलेगा आपको। पतंजलि के भी स्टोर्स हैं एक दो, वहाँ पर भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको बांधनी में अगर साड़ी चाहिए या दुपट्टा चाहिए या ड्रेस मटेरियल चाहिए, वो सब भी बहुत अच्छा मिलेगा। इनका जो रेंज है एंड जो इनका मार्केट है, जिस तरीके से ये बनाया हुआ है, क्योंकि ये बहुत लेट बना तो बहुत ही ऑर्गेनाइज बनाया हुआ है, तो गली भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे पार्किंग की भी सुविधा है तो आपको बहुत भटकना नहीं पड़ेगा, आप गाड़ी पार्क करके शॉपिंग कर सकते हैं। एंड मुझे ये मार्केट बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे आपको जो चाहिए वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अंधेरी का जो ये मार्केट है ये काफ़ी नोन है, यहाँ पर लोग जोगेश्वरी, मलाड से भी शॉपिंग करने आते हैं, क्योंकि ये मार्केट काफ़ी बड़ा है और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपको हर ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाएंगी और जो रेंज है वो भी मलाड एंड बोरीवली के कंपेयर में थोड़ा कम है। जैसे कि अगर कोई चीज़ वहाँ पर 200 की है तो वो यहाँ पर मोस्ट ऑफ आपको 150 में मिल जाएगी, तो थोड़ा सा रेंज में भी कम है और जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। यहाँ पर लड़कों के भी कपड़े मिलते हैं और जो शादी में लहंगे पहने जाते हैं वो भी मिलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे गाउन की दुकानें हैं यहाँ पर, बच्चों के लिए बहुत अच्छी वेरिएशन है यहाँ पर। हम पहुँच चुके हैं मार्केट के सेंटर इलाके में। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी पार्क हुई है तो यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बैग्स की दुकानें हैं, कुर्ती की दुकानें हैं, बच्चों के कपड़े की दुकानें हैं एंड जो हेयर एक्सेसरीज होती हैं वो सब हैं, नेल पेंट, हेयर बैंड है, क्लिप, बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगी। खत्म है? ओके, थैंक यू। यूट्यूब के लिए। अब इतना सीरियस क्यों हो गए? आएंगे ना फिर। ये 13 ईयर्स हुआ मैडम, बाकी तो अगर तो 45-50 साल हो गए मार्केट का। मोस्ट ऑफ यहाँ पे क्या मिलता है, कपड़े, ज्वेलरी सब? और वो होलसेल कपड़े, मोस्ट ऑफ कपड़े।
इसका दो ग्रुप में मार्केट, ये जो नया कंपाउंड बनाने पार्किंग वाला ये तो 13 ईयर्स हुआ, बाकी अदर जो जूनियर है वो सब कम से कम 35-40 ईयर्स हुए हैं। तो मार्केट ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया, आप देख सकते हैं मेरे सामने ये जो जिंगल व्हील करके दुकान है, यहाँ पे बच्चों के कपड़े मिलते हैं बहुत अच्छे, और उनके बगल में जो शॉप है वहाँ पे गाउन और साड़ी बहुत अच्छी मिल जाएगी आपको। यहाँ पर आपको ज्वेलरी भी मिल जाएगी, बहुत सारी शॉप्स नहीं है पर 2-3 है, लेकिन उनके पास कलेक्शन बहुत ही अच्छा है। तो मार्केट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, हम लोग मेन रोड की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर अंधेरी स्टेशन वेस्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लहंगा और साड़ी काफ़ी खूबसूरत कलेक्शन था उनका। सो हम लोग बाहर की तरफ अब जा रहे हैं, देख सकते हैं ये मार्केट का जो एंट्रेंस गेट भी बोल सकते हैं, एंड आप यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं अंधेरी स्टेशन है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।